तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है कोई भी वर्ल्ड कप हो। न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं है, और छह की छह बॉलों पे छक्का मारेंगे। लोकतंत्र में क्या होता है कि चुनाव एक बड़ी प्रक्रिया होती है और शायद सबसे बड़ा त्योहार होता है, और जब चुनाव हो तो रोचक हो। देखो कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है, हार जीत किसी की भी हो। लेकिन यदि मैच एक तरफा हो जाता है, मैंने भारत यदि चुनाव मैच जीत जाता है एक तरफा तो भी मजा नहीं आता, बहुत लोग बीच में छोड़ के चाहते हैं। और जब हम मूवी देखने जाते हैं तो भी मूवी में अगर इंटरेस्टिंग नहीं होती तो पूरे 3 घंटे बैठते नहीं, लंच में ही छोड़कर चले आते हैं। तो कुल मिलाकर आज मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया, उनको हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था नहीं, हम किसी को भेज देंगे कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है कोई भी वर्ल्ड कप हो। इनका बयान आया है भारत और पाकिस्तान का मैच होगा, आप चुनाव में आया था। देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं है, और छह की छह बॉलों पे छक्का मारेंगे। तो क्या अखिलेश यादव की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं? नहीं, उनकी विचारधारा पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का मतलब मैं किसी देश से बात नहीं करता, पाकिस्तान माने आतंकवादी, पाकिस्तान माने भ्रष्टाचारी, पाकिस्तान माने हत्यारा, पाकिस्तान माने लुटेरा। जिस प्रकार से वहाँ के ऊपर इन 75 वर्षों में 27% जो हिंदू आबादी हमारी वहाँ के ऊपर समाप्त कर दी गई, 14-14, 15-15 साल की बच्चियों को उठाकर जबरदस्ती 70-70 साल के लोगों से निकाह करा के किस प्रकार के उनको एक अत्याचार उनको दिए गए, और जो कुछ भी पाकिस्तान में होता है कि हम देखते नहीं हैं, तो वो उस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति है। आज जिस प्रकार से माफिया के घर पर जाना, एक दुर्दांत माफिया, वो भी जो कि विशेष संप्रदाय का था, इसलिए उसके घर में जाना माने माफिया और आतंकवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, उकसाना। किस प्रकार से इस प्रकार के लोग निकलेंगे, और इस प्रकार के लोग यदि निकलेंगे आतंकवादी माने, आज अगर इनकी सरकार आ गई तो भी एक मुख्तार मरा है ना जाने कितने मुख्तार पैदा हो जाएंगे, ये पैदा कर देंगे, हाथ रख देंगे उनके ऊपर। यही तो किया है, ये कैसे मुख्तार पैदा हो गया, कैसे कोई अतीक पैदा हो गया, पैदा तो इन्हीं के कारण से हुआ, इनके संरक्षण में हुआ। तो कुल मिलाकर देखो ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये देश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा अखिलेश यादव है, जिन्होंने सरकार बनते ही आतंकवादियों को छोड़ देने का इन्होंने सिफारिश किया था। इनके समय पर किस प्रकार से दंगे होते थे और दंगाइयों को बुलाकर किस प्रकार से इनके मुख्यमंत्री आवास पर उनको पूरी तरीके से उनको संरक्षित किया जाता था, उनको महिमामंडित किया जाता था, तो ये सब देखा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा है और निश्चित रूप से इनको विदाई देना, ये कन्नौज की जनता एक बहुत बड़ा मैसेज देश को देगी। आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे, अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं, और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है, ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या इनका बैंड नहीं बज गया? इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की और उसी की वजह से ज्यादा मुनाफा कमाने दे रहे हैं। जो लोग ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, जो कारोबारियों से चंदा वसूलेंगे, वो चंदा नहीं है, वो वसूली है।